Hi, this is Richa. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam 2.0. कैसा स्टोरी अपन अब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ गई हूँ जहाँ पे एक संडे ही फ्री होता है बस और यू नो सैटरडे कितना जल्दी आ गया पता ही नहीं चला ऐसा सब कुछ ये वापस मैं अब क्योंकि ऑलमोस्ट एक महीना मेरा ये रूटीन टूटा हुआ था तो अब मैं वापस बैक टू रूटीन हूँ और अब फिर से वो क्यूरियोसिटी एक जो होती है ना क्योंकि हर बार सिर्फ 2-3 एपिसोड देखने मिलते हैं मैक्स फिर वो रहता है कि अच्छा अब क्या है नेक्स्ट क्या है फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आज पहले ये करें या पहले वो करें क्योंकि यू नो हमें फिलहाल ज़्यादा क्यूरियोसिटी किसके लिए है ज़्यादा सस्पेंस किस में बना हुआ है ये सब तीसमान खान वाला कोई अलग चीज से बता रही हूँ बता दू नहीं स्पॉइलर भी नहीं है अब्दुल्ला एक डिसअपॉइंटमेंट बनेगा हाँ लोग बोल रहे तो कुछ भी नहीं है एंडिंग में जाके या फिर हेट अब्दुल्ला मतलब ओ गॉड ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था एंड इसलिए ओके ठीक है फेरी टेल कौन सा एपिसोड है वैसे एपिसोड 8 पार्ट 3 एंड 4 आई थिंक इसके अंदर किसी ने कुछ लिखा था कि कुछ बड़ा ट्विस्ट आने वाला है समथिंग कुछ तो ऐसा होने वाला आई डोंट नो हिसाब से हो गए क्योंकि अभी 10 एपिसोड या वैसे देखे तो 20 एपिसोड और है कुछ तो है ही ये इन लोग का इसकी तो 15 ही है अबे 18 नहीं थे क्या नहीं सब ने कर रही है हाँ अपन हाफ थे हाँ लास्ट तो फिर 14 एपिसोड्स और हैं अब तक एक्चुअली बहुत हम देखा जाए तो अभी थोड़े टाइम में ख़त्म भी हो जाएगा यार 2-4 weeks में ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जब तक फिलहाल फेरी टेल ऐसा लग रहा थोड़ा लंबा हाँ, चला फेरी टेल लंबा चला है क्योंकि हमने सीजन 1 देखा सीजन 2 देख रहे ऐसा लग रहा है काफी टाइम से चल रहा है लेकिन नॉर्मली हर शो में ऐसा होता है कि जब तक वो ग्रिप पकड़ने बैठता है तब तक तो शो खत्म हो रहा है ठीक है लेट्स स्टार्ट एपिसोड 8 पार्ट 3 कॉफी को इनकार कर रही हूँ मैंने तो सुना था कोई किसी की मोहब्बत में चाय से कॉफी पे शिफ्ट हो रहा है इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर ना यकीन नहीं करना चाहिए ये देखो एंटनी भी यहीं पे अभी इसे कह के ना 5 मिनट में अच्छी सी कॉफी बन जाएगी नहीं भी नहीं मुझे इसके हाथ की कॉफी भाभी मैंने तो पहली बार ऐसी अच्छी मोहब्बत देखी नंद भावज में वरना आजकल कहाँ होती है मेरी बात सुनो पहले मेरी जिंदगी में ना बहुत मसले हैं तुम नजर मत लगाओ कौन से मसले हैं तुम्हारी जिंदगी में कोई एक प्रॉब्लम बता दो जो वाहिद चीज मुझे नजर आ रही है ना वो ये है कि तुम्हारा एक मासूम बेचारा सा शौहर है और वो भी तुम पे जान छिड़कते उम्मीद जरूरी नहीं है जो नजर आ रहा हो वैसा ही हो अच्छा चलो तसल्ली से बताओ मुझे क्या मसला बताओ उन्होंने हनीमून पे जाने से मना कर दिया क्या क्यों भाई तो उनको मुझसे ज्यादा अपने काम में इंटरेस्ट है मतलब कितने अनरोमांटिक है वो यार मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी कि मेरे शौहर को मुझसे ज्यादा अपने काम में दिलचस्पी है वो तो उन्हें कंजूस मक्की का जूस समझेंगी ना लेकिन तुम फिक्र ना कर मुझे लगता है जो माँ है ना वो यही बात करने के लिए भाई से भी गई है हाँ लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है बात करने में इतनी छोटी सी तो ख्वाहिश है मेरी मैंने कौन सा ताजमहल बनाने का बोल दिया बस मुझे वहां लेकर जाना है ले जाएंगे वहां पे भी ले जाएंगे बल्कि जितने वो तुम्हारे पे फिदा है ना बेचारे ताजमहल भी बनवा देंगे तुम्हारे बस रहने ही दो तुम जानती नहीं हो अपने भाई को बस क्या बात हुई सज्जाद से बात करने पे पता चला है कि वो एक्चुअली बिजनेस के साथ बहुत बिजी है तो इस वक्त हनीमून पॉसिबल नहीं होगा देख लिया आप लोगों ने उन्हें कोई फिक्र नहीं है उन्हें बस फिक्र है तो अपने काम की कोई बात नहीं अगर ऐसा है ना तो फिर ऐसा ही से मार लूंगी मैं अपना मासूम सा निको ये क्या कर रही हो अपॉर्चुनिटी है उन ड्रामों से कुछ सीखो तुम एक काम करो कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ मैं आप लोगों को बता रही हूं ये ना जासूस है घर का तुम बातें सुनते सुनते गिरे हो ना ये हमारी बातें सुन रहा था नहीं नहीं बातें नहीं सुना था ये है ही डॉग
तो मैं ये कह रही थी कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, वो खुद ही मान जाएगा। ऐसा मानने का क्या फायदा? इस वक्त यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। माँ, आप क्यों उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हैं उम्मीद को? और मुझे सारा पता है जहां से आप ये सब कुछ सीख रही हैं ना। माँ प्लीज बस कर दें चीजें देखना, प्लीज। तुम वहां ही चली जाओगी? हाँ, यहाँ बैठे जड़ने को से अच्छा है कि मैं वहां जाकर दो घड़ी सुकून की सांस लूं। और हमारी मूवी का प्लान में क्या होगा? ओ, वो तो मैं भूल ही गई। वैसे सच बताऊं मीमी, मैं जाने का बिल्कुल भी दिल। और निगो मामा ना बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे भाई के बारे में। क्या? उन्होंने शादी मुझसे कैसे की थी कि खुद ऑफिस में रहे और मुझे यहाँ छोड़ दे। उम्मीद, भाई का वाकई प्लान था हनीमून पे जाने का। इनफैक्ट वो तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, पर अभी अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो इसका मतलब है कि वो वाकई बिजी होंगे। तुम्हारे भाई कब बिजी नहीं होते? और अगर चलो इंसान बिजी था तो इतने बड़े बड़े वादे करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है शादी से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें हनीमून पर यूरोप लेके जाऊंगा और सारी जिंदगी चाय बनाकर पिलाऊंगा। कोई भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। बाकी सब तो ठीक है, चाय पिलाने वाला वादा किया था उन्होंने। हाँ, लेकिन पता है वादा तो दूर की बात है, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जब भी मैं उन्हें उनके वादे याद दिलाने की कोशिश करती हूँ ना तो अपने ऑफिस की बात शुरू कर देते हैं। मुल्ला की दौर मस्जिद तक तुम्हारे भाई की दौर ऑफिस तक। नहीं, तुम कब वापस आओगी? मैं तुम्हारे बगैर बहुत बोर हो जाती हूँ यहाँ पे। वैसे मैं भी, तुम और हरियाणा मेरी लाइफ लाइन हो। इसीलिए कह रही हूँ कब वापस आओगी? जब तुम्हारे भाई मुझे लेने आएंगे। ओह अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ क्योंकि मुझे पता है उन मीटिंग से डायरेक्ट तुम्हारे पास ही आएंगे तुम्हें लेने। मैं रहने दो भाई की चमची। अब वो पीछे मेरे को लगता है निको उसको कुछ बोलेगी। टंटा कैसी है, क्या खा रही है? चॉकलेट। चाची मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठो ना, ये बताओ क्या खाओगी, बना कर लेकर आऊँ? जिस घर से जाने के बाद तो मेरी भूख की उड़ गई। क्यों है? क्यों भाई, क्या तुम्हारे घर में हवाओं के झक्कड़ चलते हैं? हवाओं के झक्कड़ नहीं, समंदरी तूफान जिसकी लहरें मेरे मासूम नन्हे मुन्ने से दिल के अरमानों से आकर टकरा गई। कितना कुछ सोचा था ना मैंने कि मेरी भी आगू जान और दादा जान की तरह एक प्यारी सी लव स्टोरी हो, मैं सबको अपने किस्से कहानियां सुनाऊं, हसीन मौसम हो, हसीन वादियां हो, पहाड़ हो, बर्फबारी हो रही हो और मुझे सर्दी लगे और फरजाद अपना कोट उतार कर मुझे पहनाए। और बताओ हुआ क्या है? आपको पता है फरजाद ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? मेरी फेरी टेल की लव स्टोरी से हनीमून का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। हनीमून से क्लोज कर दिया? हाँ। ऐसे कोई बात नहीं, तुम्हारे चाचा कौन सा मुझे लेकर गए थे, खैर है। अरे गुड़िया, हनीमून से तुमने अच्छा याद दिलाया। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा जान हनीमून पर मुझे मालम जब्बा लेकर गए थे। बर्फ से ढकी पहाड़ियों में जब फुल मून था तो मैं अपनी कासनी रंग की साड़ी पहनकर उनका हाथ पकड़े बाहर वॉक पर निकली थी, तो लोगों ने देखते ही क्या कहा कि एकदम देवा और वहीद मुराद की अरमान फिल्म वाली जोड़ी लग रही। आगू जवान, आप तो दिल जलाने वाली बातें कर रही हैं। दिल जलाने की जरूरत नहीं है, जाकर फरजाद से बात करो। जब नई नई शादी होती है ना तो शोहर बीवियों की बात मानते हैं। रहने दे, क्या बात करूं उनसे, उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं। सुबह ऑफिस जाते हैं, रात में आकर सो जाते हैं। अरे
नहीं ना मेरे दुल्हन को नॉलेज। और तुम्हारी सास का रवैया कैसा? देखो मामा तो सही है, आपको पता है आज क्या कर रही थी वो? घर की चाबियों को गुच्छा दे रही थी। मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं लिया। मना कर दिया? ये क्या बेवकूफी है? अरे ये तो मौका होता है शोहर और सास को मुट्ठी में लेने का। हाँ यार। हाँ लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे पास इतने आइडियाज होते हैं ना, आप कहाँ गए? लेकिन वो तो मैं अमीर होने वाली किताब से निकालती थी ना। घर पास आने वाली भी तो कोई किताब होगी ना, दो चार पढ़ डालो। हाँ आप सही कह रही है। You're right. आप लोग यहीं बैठे, मैं कॉल करके आती हूँ। ओके एक सेकेंड, मुझे एक कॉल करनी है। मैं कुछ खाने को बनाती हूँ उसके लिए। हाँ। मेरे लिए खीर बना कर लाओ। हेलो हेलो भैया, मुझे ना कुछ किताबें चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या नाम था वो अमीर बनने का 101 तरीके वही वाली ना? नहीं वो वाली नहीं। फिर अब क्या आप अमीर हो गई है? नहीं मेरी शादी हो गई है, इसलिए मुझे ना वो किताबें चाहिए जो शादी के बाद घर बसाने और निभा कर रखने में मदद करें और उसमें अच्छे अच्छे टोटके हों। अच्छा जी मैं समझ गया, मैं कल ही आपके घर ड्रॉप करवा देता हूँ। नहीं नहीं पाशा हाउस में डिलीवर नहीं करनी है, मैं जो एड्रेस दूंगी ना वहाँ पर भेज देगा। आगुजान ये पूरे का पूरा गेट खोल के क्या हो रहा है यहाँ पे, कमाल है। अरे भाई तुम्हारी लाडली उम्मीद आई हुई है। उम्मीद आई हुई किधर है? देखो ऊपर गई होगी या शायद बाहर होगी।